वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम के इस आरोपी को मुंबई के बांद्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसी गिरफ्तार शख्स ने मंगलवार को मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल को मैसेज कर सलमान खान को मारने की धमकी दी थी और मैसेज भेजकर इसने 2 करोड़ की मांग भी की थी। हमारे साथ पारस हैं, पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फ़ोन लाइन पे। इससे जुड़ी डिटेल्स क्या हैं, कौन है ये शख्स और इधर लगातार सलमान खान को इस तरह की जो धमकियां मिली हैं उससे उनके सुरक्षा पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस अभी जो ताज़ा धमकी है इसमें गिरफ्तारी हुई है उसके क्या डिटेल्स आए हैं? जी बिल्कुल, ये 14 दिन में मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल में एक मैसेज आया था। इस धमकी भरे मैसेज में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी और 2 करोड़ रुपए उनकी जान बख्शने के मांगे गए थे। इस मामले में जैसे ही मैसेज ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल के पास पहुंचता है उसके कुछ मिनटों बाद ही वर्ली पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज करने के बाद वर्ली पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है और आज तकरीबन 7:30-8 के आसपास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया बांद्रा से। इस व्यक्ति का नाम जो है वो आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में आगे की जांच जो है वो वर्ली पुलिस कर रही है। हर एंगल से जांच की जाएगी क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान को इस तरीके की धमकी आई है। बीते शुक्रवार को भी एक धमकी जो है वो सलमान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को मिली थी जिसमें एक 3 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। पारस आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। मुंबई के बांद्रा इलाके से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो सलमान खान को धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।